इन छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई ह्यूमन चेन। सड़क की दूसरी ओर भगवा गमछा पहने छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान, भड़के रिटायर्ड आईपीएस। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम छात्रा का वीडियो सुर्खियों में आ गया है, जिसने भगवा गमछा पहने छात्रों का विरोध किया और निडर होकर सामना किया। वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक आरोप है कि शिमोगा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में भगवा शॉल पहने छात्र भगवा झंडा फहराते देखे जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि 3 छात्र घायल भी हुए हैं। वहीं मामला तूल पकड़ता देख कॉलेज के अन्य छात्र भी हैं, जो ह्यूमन चेन के माध्यम से मुस्लिम लड़कियों की रक्षा कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर छात्रा को घेरने वाले वायरल वीडियो पर रिटायर्ड आईपीएस अस्थाना ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए बताते हैं किसने क्या कहा। मशहूर एंकर ऋचा अनिरुद्ध लिखती है, एक सीधा सवाल, कल को अगर हिंदू लड़कियों ने कह दिया कि हम भी घूंघट निकाल कर स्कूल आएंगे, तो क्या हम ये फ्रीडम टू चूज व्हाट टू वियर वाला कुतर्क वहाँ भी देंगे? कहाँ ले जा रहे हैं हम इस देश को? रूढ़िवाद, कट्टरपन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको बढ़ावा देने से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर अस्थाना ने लिखा, ये शर्मनाक ही नहीं, इससे भी आगे की बात है। हो सकता है कि अंग्रेजी के पास इसकी निंदा करने के लिए पर्याप्त मजबूत शब्द ना हो। धिक्कार है, आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, चाहे वो अकेली हो या साथ में। आप चाहे तो सरकार या कॉलेज से लड़े, लेकिन आप एक लड़की को कैसे छेड़ सकते हैं, ये अनैतिक है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।